सुहाग रात में सेक्स करते समय दर्द, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सुहाग रात में जब सेक्स करते हैं तो दर्द होना जरूरी है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। मतलब दूसरा एक ऐसा भी है कि दर्द नहीं हुआ इसका मतलब वो कुंवारी नहीं है। सुहाग रात में खून भी जाना जरूरी है क्योंकि पर्दा फटता है, और खून नहीं गया इसका मतलब वो कुंवारी नहीं है। तो ये सब गलत फहमियाँ हैं। सुहाग रात में सेक्स में दर्द होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दर्द हो भी सकता है तो वो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कैसे है, क्या है, उसने पहले क्या किया हुआ है। जैसा पहले उसने मास्टरबेशन किया है, लड़की ने हस्तमैथुन किया है और कुछ चीज़ें अंदर डाल के किया है तो पर्दा फटने वाला ही है। उसको हरदम मास्टरबेशन करने की आदत है हस्तमैथुन की, तो दर्द होने वाला है नहीं। अभी इसमें दर्द होता क्यों है वो भी देखना है। एक तो क्या होता है कि वो पूरी एक्साइट नहीं हुई है। जब वो पूरी एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत डरावनी है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, थकी हुई है, तो होता क्या है कि इच्छा नहीं है, बहुत नींद आ रही है। कहता है कि शादी के पहले 2-3 दिन धूमधाम चालू रहती है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, उसमें थक जाते हैं और बाद में फिर सुहाग रात आती है और फिर उसमें थक भाग के जाने के बाद में फिर कोई इच्छा रहती नहीं, और उस समय फिर सेक्स करना बोले तो एक ऐसा रहता है कि कब जाके सो जाते हैं सेक्स के बदले। तो उसमें सेक्स करना तो वो भी होता क्या है कि उसमें एक्साइटमेंट नहीं आती। एक्साइटमेंट नहीं आएंगी तो लुब्रिकेशन नहीं होगा, नीचे पानी नहीं छूटेगा, पानी छूटेगा नहीं तो अंदर लिंग का प्रवेश करने के लिए तकलीफ होगी और उसको दर्द होगा। दर्द होने के और कारण होते हैं कि उसको वहाँ इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, मतलब सूजन आई हुई है, या उसने डर के मारे ऐसा उसको आकुंचन किया हुआ है, मतलब छोटा किया हुआ है, ऐसा स्पाजम में लाया हुआ है कि भाई वहाँ उसको डर है इसलिए उसने किया हुआ है। हो सकता है कि उसको पीरियड्स चालू है और पीरियड्स में उसको दर्द हो रहा है करके वो तैयार नहीं है और उसको फिर बिल्कुल इच्छा भी नहीं है कुछ करने की और इसलिए फिर उसको दर्द होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे कारण उसके हो सकते हैं कि उसको दर्द हो रहा है और नहीं होने के भी कारण है कि भाई क्यों नहीं होता है। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत शोरशार करना नहीं है कि भाई दर्द हुआ इसका मतलब वो कुंवारी है, दर्द नहीं हुआ इसका मतलब वो कुंवारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दर्द होना स्वाभाविक है। और आपको पहले दिन तो मैं ऐसा हरदम बोल देता हूँ कि सुहाग रात में सेक्स करना जरूरी नहीं है। पहले ही नाइट में हो सकता है कि आप एक दूसरे को समझ लेते हैं, बातचीत करते हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकली कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को क्या अच्छा लगता है, क्या रुचि है, कहाँ टच किया तो अच्छा लगेगा, शादी में क्या हुआ, मतलब ऐसे गपशप मारते हैं, फोर प्ले करते हैं, हगिंग किसिंग करते हैं, और फिर उसने ऐसा बोला, कंसेंट दिया कि भाई अभी करो, तो उस समय फिर सेक्स कर सकते हैं। अदरवाइज पहले दिन तो वो समझो डरी हुई है, थकी हुई है, टेंशन, दोनों भी थके हुए हो सकते हैं, तो ऐसे इसमें 2-4 दिन पहले सेक्स नहीं किया तभी चलता है। लोग हनीमून जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि एक बार आप हनीमून जाते हैं तो ये जो शादी की थकान है 2-4 दिन की, धाम धूम चालू होती है ना पहले 8-10 दिन और फिर आखिरी के 2-3 दिन सोना भी नहीं होता, तो आप हनीमून को जाओ, वहाँ कार्यक्रम है सिर्फ सोने का और सेक्स का, खाने का, बाकी कुछ करने का नहीं है। तो 7-8 दिन एक दूसरे को पहचान लो, एक्सप्लोर करो, साथ में रहो, इसलिए वो हनीमून मनाया जाता है। तो उसमें फिर मतलब बराबर सेक्स हो सकता है। अदरवाइज़ हनीमून को नहीं गए, घर में ही है, घर में बाद में भी बहुत सारे मेहमान रहते हैं, प्राइवेसी नहीं मिलती है और फिर उसमें सेक्स करना कठिन हो जाता है। तो सुहाग रात में सेक्स में दर्द हो सकता है और दर्द हुआ तो आप लुब्रिकेटिंग जेली का वापर कर सकते हैं। समझो दर्द है तो लुब्स जो है लुब्रिकेटिंग जेली, वजाइनल लुब्रिकेटिंग क्रीम्स आते हैं, उसका वापर कर सकते हैं कि उसके वापर करने से होता क्या है कि लुब्रिकेशन हो गया, चिकना चुपड़ा हो गया, तो लिंग का प्रवेश जो है लिंग या योनि में वो एकदम ठीक हो जाएगा, आराम से हो जाएगा और दर्द होगा नहीं। बहुत ज़्यादा ही दर्द है तो एनेस्थेटिक क्रीम्स वापर सकते हैं, और एनेस्थेटिक क्रीम वापरते हैं तो उसमें भी फिर 5 मिनट पहले लगा देंगे तो उसमें भी दर्द होगा नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। सुहाग रात में सेक्स करने की जल्दी करना नहीं है और दर्द हुआ तो चिंता नहीं है, आप एनाल्जेसिक क्रीम्स, एनेस्थेटिक क्रीम्स वापर के वो दर्द का नाश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व
शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।